देखिए, गृह मंत्री का ये इस्तीफा बहुत पहले आना चाहिए था। जिस समय इस प्रकार के आरोप लगे, फिर पूर्व पुलिस कमिश्नर का पत्र आया, पूर्व कमिश्नर इंटेलिजेंस का रिपोर्ट खुला हुआ, इसमें से किस प्रकार से सरकार में रैकेट चल रहा है, ये सारी चीजें बाहर आई। सचिन वाजे, इनके इन्वेस्टिगेशन में जो जो चीजें बाहर आई वो आश्चर्यचकित करने वाली थी। एक प्रकार से मुंबई और महाराष्ट्र में सिंडिकेट राज चल रहा था। ये सारी चीजें बाहर आने के बाद तुरंत इस प्रकार का इस्तीफा ये गृह मंत्री से लेना चाहिए था, लेकिन वो इस्तीफा नहीं लिया गया। आखिरकार उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण ये इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन जहां एक और ये इस्तीफा हुआ है, वही मैं दूसरी ओर सवाल पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री मौन क्यों है? ये पूरा प्रकरण बढ़ता गया, प्रकरण जटिल होता गया, परत दर परत खुलता गया, इसमें से कई आश्चर्यचकित करने वाली चीजें बाहर आई, कई सरकार का और स्टेट का नाम खराब करने वाली घटनाएं घटी। इन सारी चीजों में मुख्यमंत्री जी मौन रहे। पिछला स्टेटमेंट जो मुख्यमंत्री जी का मुझे याद आता है, तो वाजे कोई लादेन थोड़ी है। इस प्रकार से वाजे का समर्थन या उसका बचाव मुख्यमंत्री जी ने किया था, तब से लेकर आज तक ऑफिशियली एक भी बात मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर नहीं की है। मुख्यमंत्री क्या गठबंधन की मजबूरी की वजह से नहीं बोल रहे सरकार बचाने के लिए या और किसी तरह का जवाब? देखिए, इसका जवाब तो मुख्यमंत्री दे पाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि सरकार को बचाने के लिए अलग अलग प्रकार के कॉम्प्रोमाइज वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज सरकार बचाने का कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो स्टेट के साथ कॉम्प्रोमाइज है। ये महाराष्ट्र की इज्जत के साथ, महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ एक प्रकार का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और इसलिए मुझे लगता है इस पर जवाब तो मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा।